मैंने कहा इलिप्टिकल और सर्कुलर, ये तो एक क्राइटेरिया हो गया आपको डिफाइन करने का। दूसरा क्राइटेरिया होता है कि या तो वो जियोसिंक्रोनस हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया था पीएसएलवी और जीएसएलवी के बारे में। पीएसएलवी क्या था? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, कि जो पोलर ऑर्बिट में जो सैटेलाइट को जाके स्टेबल करेगा वो होगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो पोलर ऑर्बिट क्या हुआ? पोलर ऑर्बिट हुआ इंडिया जो वर्ल्ड है इसके दो पोल हैं अर्थ के, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब जो ऑर्बिट इनको कवर करता हो ये आपका क्या आएगा? पोलर ऑर्बिट। तो यहां पर आप देख सकते हो जो आपका दो पोल हैं उनके चारों तरफ जो ऑर्बिट है बना हुआ है सेम डिस्टेंस पर, ये आपका कहलाएगा पोलर ऑर्बिट। वो केवल ये क्या होगा? वर्टिकल होगा, थोड़ा सा टिल्टेड होगा, क्योंकि हमारा अर्थ भी थोड़ा सा टिल्टेड है। तो वैसे ही इसको हम कहेंगे पोलर ऑर्बिट, जो वर्टिकल शेप में हो, थोड़ा सा टिल्टेड। और दूसरा है हमारा जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट का मतलब हुआ कि अर्थ से 36,000 किलोमीटर पर, अर्थ से 36,000 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जो भी ऑर्बिट बनेगा वो आपका जियोसिंक्रोनस बनेगा। वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। बस डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 36,000 के अप्रॉक्स जो आपका डिस्टेंस है। एग्जैक्ट डिस्टेंस भी है वो भी बताऊंगा अभी आगे, अभी के लिए ध्यान में रखिए 36,000 किलोमीटर के पे रेडियस पे जो आपका ऑर्बिट बन रहा है वो आपका जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट होता है। और इसी का एक स्पेशल केस होता है जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। इक्वेटर आप सभी जानते हैं इक्वेटर क्या है, ठीक है। एकदम इक्वेटर के पैरेलल में अगर कोई ऑर्बिट है, जैसे पोलर के ऑर्बिट क्या था? एकदम पोल के परपेंडिकुलर ऐसे था, तो ये हो गया आपका पोलर ऑर्बिट। तो जो आपका इक्वेटर है, जो बीचों भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के चारों तरफ जो एक प्लेन फॉर्म होगा ये आपका बनेगा जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, जो एकदम इक्वेटर के पैरेलल हो, इक्वेटर के ऊपर हो, तो ये होगा आपका जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। तो जितने भी आपके वेदर फॉरकास्टिंग के जो भी सैटेलाइट्स होते हैं वो आपके कहां पर होते हैं? जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में होते हैं। ये देखिए ये आपका जियोस्टेशनरी ऑर्बिट है, इसमें जितने भी आपके वेदर फॉरकास्ट के लिए जो भी सैटेलाइट्स बने हुए हैं ये सभी आपका इसी पे हैं। और यहां पे आपको रेड रंग का एक दिखाई दे रहा होगा, ये रेड वाला क्या है? पोलर ऑर्बिट, ठीक है। और बाकी जो भी ऑर्बिट्स होंगे जिस पे ये घूम रहे होंगे ये सभी क्या होंगे? जियोसिंक्रोनस। स्पेशल केस क्या हुआ? जियोस्टेशनरी और एक है आपका पोलर ऑर्बिट जो कि आपका उसमें घूमता है। अब यहां पर तीन और ऑर्बिट का चर्चा होता है। ये तो एक क्राइटेरिया था डिफाइन करने का, पहला क्राइटेरिया था शेप वाइज में कि एक इलिप्टिकल हो सकता है, एक सर्कुलर हो सकता है। दूसरा मैंने देखा कहां पर स्थित है, डिस्टेंस कितना है और कौन से पोजीशन पे है। तो इसमें आपका पोलर हो गया और जियोसिंक्रोनस हो गया, और जियोसिंक्रोनस का एक स्पेशल केस हुआ आपका जियोस्टेशनरी। एक और क्राइटेरिया है जिसमें हम देखते हैं लेवल कितना है, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, हाई अर्थ ऑर्बिट, मतलब अर्थ से कितने डिस्टेंस पर है। तो अगर जो बहुत कम डिस्टेंस पे हुआ वो हुआ लोअर अर्थ ऑर्बिट, उससे थोड़ा सा और फार हुआ तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और उसके ऊपर फिर हाई अर्थ ऑर्बिट।